तो भारत के अंदर हम जो ये मूवमेंट चला रहे हैं उसके अंदर हमारा जो सारा प्रोसीजर है वो क्या करता है, जनता के हाथ में पावर बढ़ा रहा है। एक्चुअली पावर मतलब ढाल हमेशा के लिए। चिल्लर मुद्दे कौन से होते हैं जिसके अंदर किसी इशू के ऊपर आप सरकार से मांग कर रहे होते हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत लोग हैं भारत में जो बोल रहे हैं भाई वैक्सीनेशन कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, और वो रोड पे आ रहे हैं, मजमे लगा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, धरना दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई सीएम के पास में इतना पावर है, वो सुबह से शाम तक इतने गलत कानून छापता है, तुम उसको बोल रहे हो भाई मेरे ये जो 100 कांटे तेने घुसाए हैं उसमें से ये एक कांटा निकाल दे, उसके लिए तुम वहां रोड पे इकट्ठा हो रहे हो। भाई तुम उससे ढाल मांगो ना, भाई मुख्यमंत्री को निकालने की शक्ति हमको दे दो, वोट वापसी सीएम का कानून छाप दो, तो वो एक भी भाला तुम पे मारने ही नहीं वाला है क्योंकि तुम्हारे हाथ में ढाल आ गई। जब आप तो इसमें क्या पॉइंट क्या है मेरा कि जब आप मतलब हम मूवमेंट कौन सी चला रहे हैं, हम नागरिकों को ढाल दिलवाना चाहते हैं। देखो शासन का काम क्या है, एसपी ये पुलिस जज नेता इनका काम क्या है, ये 24 घंटे भाले लेके खड़े हैं आपका खून निकालने के लिए, मौका मिला और खच से खून निकाल लेंगे, लॉकडाउन डाल देंगे, जीएसटी डाल देंगे, वैक्सीनेशन कंपलसरी कर देंगे, टैक्स बढ़ा देंगे, कुछ ना कुछ करके 24 घंटे इनका धंधा ये है, 24 घंटे इनका दिमाग चलता है कहां से पैसा खींच लूं, कहां से पैसा खींच लूं। तो ये जज पुलिस राजनेता का माफिया है, ये आज से नहीं हजारों सालों से ये हर समय भाले लेके जनता के शिकार पे लगे हुए हैं, निकले हुए हैं। कभी इधर देखोगे इधर से कट मार के पैसा खींच लेंगे। तो इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है ढाल, वोटिंग पावर ढाल है। एक बार ढाल हाथ में आ गई तो हर 5 साल में एक बार पूछने आना है, उसकी वजह से ये राजनेता वगैरह थोड़ी सी तमीज में है। रिकॉल पावर ये दूसरी ढाल है, जूरी पावर तीसरी ढाल है, रेफरेंडम पावर चौथी ढाल है। हमारे पे ये बहुत बार आरोप आता है, हर आदमी बोलता है भाई तुम दुनिया का कोई भी आदमी है, भारत का कोई भी आदमी है, तुम उसके पीछे लग जाते हो कि इसका विरोध करना शुरू कर देते हो, किसी को ही नहीं छोड़ते, सबका विरोध करते हो। तो भाई मेरा मैं उसमें यह जवाब देता हूं कि आज की डेट में 33 लाख एनजीओ चल रहे हैं भारत में, 2300 पॉलिटिकल पार्टियां चल रही है, मेरे को एक पार्टी का एजेंडे में से यह लिखा हुआ दिखा दो कि वो भारत के लोगों को ढाल दिलाने की बात कर रहा है क्या। और पिछले 100 साल में एक नेता, एक इंटेलेक्चुअल तुम लेके आओ मेरे सामने जिसने जनता को ढाल दिलाने की बात करी हो। वोटिंग पावर ढाल है, 47 में मिली थी, आज तक काम कर रही है। आपकी हमारी किडनियां नेता बेच क्यों नहीं गए अभी तक, वो निकाल के कट लगा के किडनियां ले जाते हैं हमारी, अभी तक हड्डियां भी खा जाते, वो खा क्यों नहीं गए, क्योंकि तो वोटिंग पावर की ढाल पड़ी है हाथ में। हर 5 5 साल में 3 बार उनको हाथ जोड़ने आना पड़ता है कि मेरी नौकरी चालू या खत्म। पाकिस्तान में वो ढाल निकल गई उनके हाथ से तो उनके चिथड़े कर दिए वहां के नेताओं ने और मौलवियों ने, सेना के जनरल वगैरह ने। तो ये ढाल है वोटिंग पावर ऐसी, ये ढाल पर्याप्त नहीं है क्योंकि ये आपको बचा नहीं सकती उनसे, उनके पास इतने सारे वो हैं। एक बार तुमने एमएलए को वोट कर दिया, एमएलए ने सीएम बना दिया, अब सीएम बन गया, अब 5 साल तक तो वो जूते लगाने ही वाला है, रोकोगे कैसे तुम यार, उसको मौका मिलेगा वहां से कट मार के खून खींच लेगा तुम्हारा, लॉकडाउन डाल देगा, लॉकडाउन से तुमको पूरा उसने फफेड़ दिया, फिर वैक्सीन लेके आ गया तो वैक्सीन मारो इनके ऊपर सबके ऊपर, वैक्सीन नहीं लोगे ट्रेन में नहीं चढ़ने देगा, फ्लाइट में नहीं चढ़ने देगा, वैक्सीन नहीं लोगे ये नहीं करने देगा। तो अभी रुको और आने वाला है आगे, नया नया आते ही जाए, कोई नई स्टोरी थोड़ी चल रही है। इकट्ठे हो गए घोड़ा चला देगा तुम्हारे ऊपर, क्या करोगे, ज्यादा करोगे पुलिस वाले लठ बजाएंगे, थाने में ले जाके घुसा देंगे, 3 दिन तुमको पतंग बना के वहां टांग देंगे, जूते मारेंगे, क्या करोगे। इससे बचने का तरीका क्या है, स्थायी समाधान ढाल ही है। अभी ये भारत के अंदर इतने लोग घूम रहे हैं ये वैक्सीन के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ, मतलब करोड़ों लोग एक्टिविस्ट को फंसा के रखा हुआ है, उनमें से कोई आदमी से सुना भाई मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को हम निकाल सकें, जनता फाइनल फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाई वोटर्स, हम उसके ऊपर वोट वापसी का कानून दो, उसकी औकात है लॉकडाउन डालने की सीएम की, और 3 दिन में निकाल देगी जनता, उसकी औकात है वैक्सीनेशन कंपलसरी डालने की, 3 दिन में नौकरी जाएगी, 3 दिन में निकाल देगी जनता। तो हट भाई, जिसको लेनी है वैक्सीन ले लेगा,
और पुलिस को लगा रखा है, लठ मार मार के वैक्सीन दे रहे हैं, और लोग वहां इकट्ठे होके बोल रहे हैं भाई वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई विरोध कर रहे हैं, धंधा यही है क्या? आज 70 साल से सब लोग इकट्ठे होके विरोध कर रहे हैं, अभी विरोध कर रहे हैं, फिर अभी वैक्सीन का कर लो, 2 महीने बाद फिर इकट्ठे हो जाना इंडिया गेट पे, वहां फिर दूसरा विरोध कर देना, फिर जंतर मंतर पे तंबू लगा देना। अब क्या कर रहे हो? अब किसान बिल का विरोध कर रहे हैं, फिर 2 महीने बाद में फिर लोगों को इकट्ठा करके, अब क्या कर रहे हो? अब लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं, फिर इकट्ठे हो जाना, अब जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। मतलब क्या बेवकूफी की एक हद होती है? बेवकूफ बना के रखा है 70 साल से लोगों को, मतलब जो वो अस्त्र चला रहे हैं, ढाल की बात करना है भाई। देखो वाजपेयी साहब बहुत मानते, बहुत सारे लोग प्रोफाइल पिक्चर पे लगा के रखे हैं, मैं बोलता हूं उन्होंने अपने 50 साल के करियर के अंदर पब्लिक को ढाल देने, परमानेंट ढाल देने की बात करी है? नहीं करी है ना। मोदी साहब कितने महान हैं, उनको सत्ता में 2002 से बैठे हुए हैं, उन्होंने कभी भी जनता को ढाल देने की बात करी है? मतलब कितने महान है, मेरे सामने लेके आओ पिछले 100 साल के सारे लोगों को लेके आओ, एक आदमी निकाल के दो मेरे को, एक आदमी जिसने ढाल देने की बात करी है। ये सारे के सारे हमारे, मतलब जो फ्रीडम फाइटर थे भगत सिंह जी वगैरह, उनको छोड़ दो, बटुकेश्वर दत्त महात्मा, बटुकेश्वर दत्त महात्मा भगत सिंह जी, उनको छोड़ दो, तो ये जितने भी नेता थे और तब से आज तक जितने नेता पैदा हुए हैं भारत के अंदर, कुछ 10-20 हजार सांसद हो गए होंगे और कुछ 1 लाख से ज्यादा एमएलए हो गए होंगे और हजारों मंत्री हो गए हैं आज तक और इतने प्रधानमंत्री हो गए हैं, साला एक आदमी ने जिंदगी में बात करी है कि मैं जनता को एक ढाल और देने की बात करता हूं? जिंदगी में करी है? अभी भारत में इतने महान लोग घूम रहे हैं, एक एक्टिविस्ट, एक नेता, एक समाज सुधारक ने बात करी है जिंदगी में कि मैं जनता को जैसे वोटिंग राइट एक ढाल मिली थी हमें 47 में, वैसी एक और ढाल मिले, रेफरेंडम राइट एक ढाल है, जनता के पास हमेशा के लिए पावर आ जाती है कि उनको लॉकडाउन नहीं चाहिए, फोर्स भाई देखो रेफरेंडम राइट होता तो भिलवाड़ा में फोर्स वैक्सीनेशन होता ही नहीं था, बात ही खत्म है। अगर रेफरेंडम राइट होता मैं जाके एफिडेविट रखता कलेक्टर की कचहरी में भी फोर्स वैक्सीनेशन को खत्म किया जावे, और जनता भीलवाड़ा की 20 लाख पब्लिक यस नो का एसएमएस भेजती, और जो एसएमएस भेजती उसके अंदर लोग हैं वो 15 लाख लोग भेजते भाई फोर्स वैक्सीनेशन क्यों कर रहे हो? 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर जनता तय कर देती हमको वैक्सीनेशन नहीं चाहिए। अभी ये वैक्सीनेशन के ऊपर साले प्रपंच बनाने वाले भारत में जितने 1.5 साल से मजमा बना के रखे, उनमें से एक आदमी ने बात करी है रेफरेंडम पावर होना चाहिए ताकि जनता तय करेगी उनको वैक्सीनेशन चाहिए इनके, मेरा जिला मैं तय करूंगा ना, मेरा राज्य मैं तय करूंगा ना, फाइनली मेरे को वैक्सीनेशन कंपल्सरी करना कि नहीं करना, उसने बात करी है? उसको आप 100 बार कचोटोगे और तब भी बात नहीं करेगा, सब अपना अपना सामान बेचने पे लगे हैं भाई। पर्टिकुलर कोई तीर आया है तो सामने वाला बात करेगा मैं तुम्हें इस तीर से बचाने के लिए तुम्हारी लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। भाई तू क्यों लड़ाई लड़ने तैयार है? तू कल मर लेगा, फिर कहां जाऊंगा ढाल देने? भाई मुझे कवच चाहिए, तू ये गोली से मत बचा, मेरे को कवच दे, बुलेट प्रूफ कवच, ताकि तेरे मरने के बाद में भी मैं खुद को बचा सकूं। 47 में ये वोटिंग राइट मिले, वो हमें बख्तर बंद, एक हमको ढाल या कवच मिला, तो कोई भी नेता आके अगर हमें ज्यादा परेशान करे, झूठ मारे, तो हम हटा सकते, अब क्या नहीं चुनेंगे? तो हमारा जो पूरा है वो है जनता को हम चार नई ढाल और दिलाना चाहते हैं। इस पॉइंट के ऊपर हम भारत के सभी ऐतिहासिक राजनेता और करंट राजनेता को तोलते हैं कि भाई ये ढाल की बात कर रहा है क्या? तो भाई ये बड़ा महान आदमी, भाई देखो राजीव दीक्षित जी, अब वो एकमात्र आदमी है 47 के बाद में मेरी जानकारी में जिन्होंने उन भारत के लोगों को ढाल दिलाने की बात करी थी, दूसरा एग्जाम्पल ही नहीं है, बताओ मेरे को, केजरीवाल एक ने, भी केजरीवाल नहीं है ने की है, बट ड्राफ्ट नहीं दिया था। भाई। उसने, केजरीवाल ने 2011 के पहले अपनी जिंदगी में बात करी क्या? नहीं करी। 2011 में क्यों करनी पड़ी? क्योंकि 2011 तक राहुल भाई 2 इलेक्शन लड़ चुके थे, भारत में राइट टू रिकॉल की मूवमेंट इतनी हो चुकी थी, 3 बार उनको पब्लिक में अपने राइट टू रिकॉल एक्टिविस्ट ने जाके पब्लिक के अंदर ही उनको पूछ लिया था कि भाई ये जन लोकपाल भ्रष्ट हो गया तो क्या करना, राइट टू रिकॉल क्यों ला रहे हो? 3 बार जब पूछा 150 की मीटिंग के बीच में, तो उनको स्टैंड लेना पड़ा, और उस समय तक वो इतने बड़े आदमी नहीं हुए थे, उनकी गैदरिंग में 200-500 लोग ही होते थे, तो
तो उन्होंने अपने मन से राइट टू रिकॉल की बात नहीं करी है, उन्होंने कहा कि भाई मैं एक्सपोज हो रहा हूं, तभी उन्होंने करी है, और वो भी करी है तो ड्राफ्टलेस। तो ड्राफ्टलेस की क्या बात करनी है, वो तो बेवकूफ बनाने का जरिया है। रिकॉल मतलब क्या, हवा में करेंगे रिकॉल? क्या फोन करके रिकॉल करूं? पासबुक देना भाई, वोटर कार्ड ही नहीं है, वोट किधर करूंगा? तो वोट वापिस लेऊंगा किधर से? पासबुक? पासबुक दी, वो दिल्ली में शासन कर रहा 10 साल हो गए, उसने वापिस बात करी? उसने क्या कानून बनाया? देखो सबसे फ्रॉड नेता कौन है, जो कहता है मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा, भाई तू क्यों लड़ेगा? तू कल मर गया तो मैं लड़ लूंगा। तू भाई वो पहले आपको, पहले आप वो आपको पहले तो आपके अपंग बनाते हैं, फिर आके खड़े होते हैं मैं तुम सब अपंगों की लड़ाई लड़ूंगा। भाई मेरी टांगे दे दे, मैं लड़ लूंगा। तू क्यों गोद में उठा के भग रहा है? मेरी टांगे दे, मैं भग लूंगा। मैं तेरे को कार से वहां छोड़ दूंगा, बस चाबी दे मेरी कार, मेरे को कार दिलाना। तो ये भारत में देखो, मतलब ये बार बार आता है, वे राइट टू रिकॉल वालों का काम है सबका, विश्वरूप चौधरी का विरोध कर दिया, उसका विरोध कर दिया, अब तो विश्वरूप चौधरी का विरोध, मैं कल से विरोध बंद करता हूं। उसको जाके पूछो ना भाई, ये जो भाई हेल्थ मिनिस्टर को हटाने का पावर दिलाने की बात करता है क्या? आना मना कुछ नहीं, 100 बार पूछो, एक भी बार जवाब आए तो मेरे को बता देना कि भाई हेल्थ मिनिस्टर को जनता हटा सके वो बात करने को राजी है, राजी नहीं है। किसी की लड़ाई लड़ना वो नेतागिरी चमकाने का तरीका है, किसी को सशक्त बना देना, उसको हाथ में पावर दे देना। किराए के मकान में, मतलब ये महल है कितना अच्छा है, बढ़िया है, तो ठीक है तू इस महल में रह, चाबी मेरे पास रहेगी, मैं चाबी दिलाने की बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं चाबी दे। तो ये नागरिक सत्ता, नागरिक अधिकार, अधिकार मतलब सस्पेंड हो जाते हैं, सत्ताएं कभी सस्पेंड नहीं होती है, हमेशा के लिए रहती है, ठीक है। तो ये हमारा जो है गोल, हमारा टारगेट, ये 4 ढाले हमको दिलवानी है बस, दूसरी बात इसलिए हम करते नहीं है, दूसरी बात करते हैं इसका टाइम कट जाता है। कई लोग ये भी लेके आते हैं पंगा कि अभी ये मुद्दा जरूरी है, अरे भाई सब हमेशा से जरूरी है, हम ढाल के अलावा बात नहीं करेंगे। अभी ये जितना प्रपंच है वो वोट वापसी सीएम और वोट वापसी पीएम, ये 2 ढाले होती तुम्हारे पास, उनकी औकात ही नहीं थी तुम्हारे इतना खून निकालने की। यूएस ने कर दिया ना रिकॉल, सीएम को निकाल दिया, जबकि वहां पे जो लॉकडाउन था वो भारत से 100 गुना ज्यादा कमजोर और लचीला था, कोई लॉस नहीं हुआ उनको, तब भी निकाल दिया, बताओ। और यहाँ पे पुलिस से लठ लगवा रहे हैं, अरे भाई एसपी को निकालने का पावर तुमको मिल जाए उस पर वोट वापसी, वो ढाल है, एसपी मना कर देगा सीएम को, मैं नहीं लगाता लठ लोगों के, और ठेले के ठेले उलट रहे हैं पुलिस वाले, और लोग प्रदर्शन करते हैं, मतलब सबसे पहले जूते इनको जाने चाहिए। भाई तुम क्यों पब्लिक को अलकान कर रहे हो, लोगों को इकट्ठा करके मजमा लगा के भाई वैक्सीनेशन बंद करो, भाई कल कोई नया पोस्टर लेके आएगा, तू 70 साल से वो पोस्टर ले लेके इकट्ठे हो रहे हो, क्यों हो रहे हो? क्योंकि ढाल ही नहीं है। सही बात है। हाँ तो ये इसका हुआ, अभी पेड मीडिया के पे थोड़ी बात करेंगे। पवन जी, पवन जी इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। थोड़ा सा मैं समराइज करना चाह रहा हूँ, आपके जो 4 ढाल हैं, एक तो वोटिंग राइट, एक रिकॉल राइट, एक गन पावर और एक रेफरेंडम, यही है ना? वोटिंग पावर, रिकॉल पावर, गन पावर और रेफरेंडम पावर। हाँ, चार ढाल हुए, उसमें से एक ही है हमारे पास। क्यों, पांच? नहीं, पांच होनी चाहिए ना, एक है वोटिंग पावर मतलब वोट देने का पावर, हाँ, दूसरा वोट वापिस लेने का पावर, वोट वापसी, हाँ, तीसरा जूरी में आने का पावर, हाँ जूरी है, सॉरी जूरी मिस कर दिया मैंने, जूरी में आने का पावर और फैसला देने का पावर, कि भाई इस आदमी को अंदर डाल दो, हाँ। जैसे सलमान खान है, फुटपाथ पे चढ़ा दिया, जज के पास पावर है, छोड़ दिया, हिरण मार दिए, छोड़ दिया, जनता को पावर दो मुंबई की, वो आएगी बैठेगी, जोधपुर की जनता आएगी बैठेगी, 50 लोगों की जूरी बैठेगी, सबूत देखेगी, अंदर डाल दो, और उसकी कुछ कुछ नहीं हो सकता, जनता ने बोल दिया डाल दो, खत्म हो गई बात, अमेरिका में ये पावर है उनके पास, तो ये तीसरा पावर, और चौथा गन पावर। गन पावर को चलो उसके साइड इफेक्ट भी है, इसलिए हम फोर्स नहीं करते कि भाई गन पावर होना चाहिए, हम ऐसा नहीं कहते हैं, उस पर रेफरेंडम करवा लो, गन पावर पे मैं ज्यादा वो भार नहीं दे रहा हूँ, ये 4 पावर में तो फायदा ही फायदा है, नुकसान तो कोई है ही नहीं, जूरी पावर, रेफरेंडम पावर, वोट वापसी पावर, बस ये 3 पावर चाहिए, अभी 1 ढाल है हमारे पास।
वोटिंग पावर, वोटिंग पावर ये है। मेरा पॉइंट है। इसमें कोई प्रश्न ले लो वरना फिर पेड मीडिया पे आता हूँ। कर्तव्यता का रजिस्टर मेंटेन करना, उसमें जेरोक्स रखना, जेरोक्स रखने से किस प्रकार हम इस मीडिया के नेटवर्क को तोड़ सकते हैं, इसका प्रिसाइस और एलेबरेट आंसर अगर आप दे सके तो बहुत अच्छा हो। देखो पॉलिटिक्स में इस बात से महत्व नहीं होता है कि कितने लोगों ने पीएम को कुछ बोला, सीएम को कुछ बोला, इसका वैल्यू पॉलिटिक्स में जीरो है। पॉलिटिक्स में वैल्यू है कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, 1,000 लोगों ने या 5,000 लोगों या सीएम को क्या बोला, उसमें क्यों, उसमें कोई पॉलिटिकल वैल्यू नहीं है। क्योंकि देखो सांसद होता है ना, उसकी कंस्टिट्यूएंसी भी 20 लाख की होती है। अब 20 लाख की कंस्टिट्यूएंसी है, कुछ 15-16 लाख लोग वोट करते हैं, और कम से कम 7-8 लाख लोग, 7-8 लाख वोट आने से सांसद बनता है। प्रधानमंत्री तो 90 करोड़ पे बैठा हुआ है, 10,000 लोगों ने क्या बोला कोई मतलब ही नहीं है, फालतू की बात है। मैं कह रहा हूं 2 लाख ने भी क्या बोला फालतू है, 5 लाख ने भी जो बोला फालतू बात है, 10 लाख 25 लाख ने भी जो बोला फालतू बात है, कोई मतलब ही नहीं है। वो चलता है 90 करोड़ के मैंडेट से प्रधानमंत्री, सांसद खुद 20 लाख के मैंडेट से वोट वोटिंग 8 लाख का 7 लाख का वोट लेके आके मैंडेट से सांसद बन रहा है वो। तो 10,000 लोगों ने पोस्ट कार्ड भेजा, अब उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू कब आता है, 10,000 लोगों ने पीएम को पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक को फायदा देने वाली कोई बात बोली, तो ये जो 10,000 लोगों ने बोला इसे कितने वोटर ने देखा। 100 लोग इकट्ठे हुए पोस्ट ऑफिस पे और प्रधानमंत्री को बोला लॉकडाउन खत्म करो, 100 लोगों ने बोला, वैल्यू नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है, सीएम को प्रॉब्लम कब शुरू हो रही है कि वो जो 100 लोग इकट्ठे हुए थे वो लोगों को कितनों ने देखा। अगर उनको 10,000 ने देखा तो सीएम पे प्रेशर आया है 1,000 प्लस 10,000। अब यहां रजिस्टर कैसे काम करता है, आपने चिट्ठी भेजी वो एक सामूहिक गतिविधि थी, आपने 5 बजे चिट्ठी डाली, 5:30 बजे खत्म है खेल, कुछ नहीं बचा, आपने उसकी जेरोक्स करा के रजिस्टर में रख दिया, तो एक रिकॉर्ड आ गया आपके पास में। अब देखो, अब आपने क्या किया, वो जो चिट्ठी डाली थी वो 10-20-50 लोग थे, उन्होंने फोटो निकाला, वो फोटो डाला वो अब फेसबुक पे, अब आपने रजिस्टर बनाया, उस रजिस्टर में उसकी फोटो कॉपी चिपकाई और वो आपने फेसबुक पे डाली। अब फेसबुक पे आपकी मित्र सूची में 500 लोग हैं या 2,000 लोग हैं। अब 2,000 लोगों ने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी उनके सामने वो सूचना तो गई, और ये सूचना 1 महीने बाद में भी उनके पास अनवरत जा रही है, 6 महीने बाद में भी अनवरत जा रही है। अब किसी शहर के अंदर सिर्फ 1,000 लोग हैं जिन्होंने चिट्ठी भेजी और साथ में उन्होंने उसकी जेरोक्स रखी, तो 1,000 रजिस्टर वो उस शहर में घूम रहे हैं। मेरे घर पे कोई आया या कोई किसी से मैं मिला, कहीं डिबेट में कहीं मीटिंग में बैठे, मैंने बोला, जैसे मैं दिखाता रहता हूँ मेरा रजिस्टर है वो, ये देखो मैंने ये चिट्ठी भेजी, ये चिट्ठी भेजी, ये चिट्ठी भेजी, 1 मिनट होल्ड करो, हाँ देखो ये मेरा रजिस्टर है, ये है ना, अभी देखो मैंने ये चिट्ठी भेजी, ये 5/2 को जिला जूरी कोर्ट छापे, अभी अभी कितने लोग हैं मीटिंग में, 52 लोग को दिखा सकता हूँ ना। सीएम को ये प्रॉब्लम है कि साला 4 महीने पहले जो चिट्ठी भेजी थी अभी भी आज फिर 30 लोगों को दिखा गया, और ये हर महीने में मैं जितने लोगों से मिलता हूँ सबको चिट्ठी दिखाता हूँ। सीएम को इससे प्रॉब्लम हो रही है, मैंने चिट्ठी भेजी, बात खत्म हो जानी चाहिए थी। ये जितने लोग मजमे लगाते हैं ना वहां इकट्ठे हुए, इधर इकट्ठे हुए, प्रदर्शन किया, अगले दिन उसका रिकॉर्ड या उसका वैल्यू क्या है, जीरो है। ये माउंट होता है, ये माउंट हो रहा है लगातार, ये कब से माउंटिंग चल रही है। जितनी चिट्ठी, ये चिट्ठी एंड लॉकडाउन, फोर्स वैक्सीनेशन खत्म करो, वोट वापसी, सीएम कानून छापो, ये पूरा रजिस्टर स्कैन होके मेरी फेसबुक वॉल पे पड़ा है, 5,000 मित्र सूची के अंदर है, 4,000 को पता है मैं चिट्ठी भेजता नहीं हूं, मैं भेजता रह रहा हूं, मैं लगातार चिट्ठी भेज रहा हूं, और ऐसे 1,000 लोग अगर भीलवाड़ा में चिट्ठी भेज रहे हैं तो ये बात 1 लाख लोगों तक जा रही है। प्रॉब्लम उसको ये आ रही है कि 1 लाख लोगों को पता है कि ये वोट वापसी का कानून मांग रहे हैं,
उससे प्रेशर बनता है। ये अगर नहीं है तो आपकी एक्टिविटी माउंट नहीं हो सकती। वो होता है ना, चिट्ठी डाली, अगले 15 दिन बाद खत्म। मेरे पास में रिकॉर्ड है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको ये सब। बहुत सारे लोग हैं जो चिट्ठी डालते हैं, फोटो फेसबुक पे डाल के आ जाते हैं, उन्होंने रजिस्टर बनाया ही नहीं। उनको मैं 4 महीने बाद पूछूंगा, भाई तुमने लॉकडाउन की चिट्ठी भेजी थी, कहां भेजी थी, मुझे दिखा। मुझे ना दिखा पा रहा है तो कितने लोगों को पता है, बात खत्म हो गई। बाकी भारत में जितने भी लोग मजमा लगाते हैं, इकट्ठे होते हैं, उनमें और हमारे तरीके में फर्क यह है, हमारा सिस्टम माउंट हो रहा है, लगातार माउंट होता है ये। अगर ऐसे 1 लाख रजिस्टर भारत में भर में हो गए तो ये 50 लाख का प्रेशर क्रिएट करते हैं, और वो प्रेशर 1 घंटे के लिए नहीं है, वो लगातार है, और वो प्रेशर लगातार बढ़ता है, लगातार बढ़ता है। तो अगर आपने रिकॉर्ड नहीं रखा तो लोगों को कैसे बताओगे? रिकॉर्ड अपने लिए नहीं रखना है या लोगों को दिखाने के लिए रिकॉर्ड रखना है? और जब तक पीएम क्या देखता है, भाई 10,000 लोग इकट्ठे हुए तो पीएम क्या बोलता है, इकट्ठे कहां हुए? क्या भाई वो शहर से 20 किलोमीटर दूर किसी ग्राउंड में, कहो होने दे, मर्जी पड़े जो करने दे। पर जैसे ही पता लगता है भाई ये तो यहाँ शहर के बीच में इकट्ठे हुए, तो वो देखता है तो दर्शक कितने हो गए, तो 1 लाख लोग देख रहे हैं उनको। भाई अन्ना जो ने जो प्रपंच चलाया था, लोग कितने थे? 25,000 50,000। मीडिया की ताकत क्या है? उसने 90 करोड़ का फोर्स एड कर दिया टीवी पे दिखा के। तो दर्शक कितने, मतलब कितने लोग देख रहे हैं, पीएम सीएम को इससे मतलब होता है। कितने लोग क्या करें, अभी किसान आंदोलन में कितने लोग हैं? 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख लोग हैं, लेकिन पूरे देश को मालूम है, वो प्रेशर काम करता है। तो ये इसका वो है। तो इसलिए अगर आप चिट्ठी भेज रहे हो और अगर आप रजिस्टर में नहीं रख रहे हो तो एक तरह से वो टाइम पास हो गया, वेस्ट हो गया, उसमें वैल्यू एड नहीं हो सकती है। दो चीज कंपल्सरी करनी पड़ेगी आपको, लगातार चिट्ठी भेजना जरूरी है ताकि रिकॉर्ड बनता जाए, और दूसरा ये रजिस्टर को पब्लिश करना फेसबुक पे, इधर उधर, ये जरूरी है। अभी कई 100 लोगों की गैदरिंग होती है, मैं जाता हूं, मैं रजिस्टर लेके जाता हूं, वहां सब देखते हैं, कह रहे यार ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, आप तो लगातार बोल रहे हो वोट वापसी कानून आना चाहिए। लोग बोलते हैं आप सीएम को क्यों नहीं बोलते ये कानून, मोदी साहब तो बहुत बढ़िया आदमी है, वो ये कानून डाल देंगे। मैं बोलता हूँ अच्छा डाल देंगे, तो ये लो, ये 7 तारीख को चिट्ठी भेजी थी, हिंदू बोर्ड छापो, तो जवाब नहीं आया क्या? उन्होंने कहा कि 10,000 से और भिजाओ तब ये आएगा। तो बोलो तुमको भेजना है, तो रजिस्टर जो चिट्ठी भेजने का तरीका है वो काम नहीं करता है, ये रजिस्टर काम करता है। और दूसरा ये लगातार, एक बार चिट्ठी डालने से कुछ नहीं होगा, लगातार डालना पड़ेगा। नहीं, इसका दूसरा पार्ट ये था प्रश्न का कि ये मीडिया का नेटवर्क किस तरह तोड़ता है, मीडिया का नेटवर्क किस तरह तोड़ता है, मीडिया का नेटवर्क घर घर में फैला हुआ है। हाँ, मीडिया का नेटवर्क अलग अलग, हाँ मीडिया का नेटवर्क ऐसे तोड़ देता है ये कि जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो डिवाइडेड है। अगर 1,000 किसी शहर में, जिले में अगर 1,000 रजिस्टर है तो इस इंफॉर्मेशन को और इस मूवमेंट को मीडिया ब्रेक क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि लोगों तक मीडिया, मतलब ये मूवमेंट को लोगों तक मीडिया पहुंचा ही नहीं रहा है। मैं पहुंचा रहा हूं, जितने लोगों तक पहुंचाया मैंने पहुंचाया ये कानून, और मेरे से आगे गया, उससे आगे गया, उससे आगे गया, ऐसे सबके पास में अपना जो रिकॉर्ड है इसको मीडिया डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जैसे अन्ना को 2 महीने लगातार मीडिया ने दिखाया, बाद में उसने प्लग निकाल दिया, 8 साल से अन्ना जमा। अभी किसान आंदोलन दिखाया, बाद में हटा दिया, जमा। अभी कोरोना चला रखा है, उनकी इच्छा है जब तक चलाएंगे, जब हटा देंगे तो जमा। तो इंफॉर्मेशन को पुश करना, स्टॉप करना, उसके लिए मीडिया की पावर है, वो यहां खत्म हो जाती है, मीडिया की जरूरत ही नहीं है। 5 तारीख 5 बजे मैं वापस ये लेके पहुंच जाऊंगा, मेरे साथ 50 लोग और मेरे अलावा वहां पे और भी आ गए, वो 50 भी आ गए, मैं नहीं जाऊंगा तब भी दूसरे आएंगे, वो चिट्ठी डाल देंगे, और ये रजिस्टर बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ती जाएगी फेसबुक पे, ये रजिस्टर बढ़ते जाएंगे, फोटो बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अब मीडिया क्या करेगा इसको रोकने के लिए?
1,000 है, अगर 1,000 हो गए किसी शहर में, 1,000 रजिस्टर हो गए, 1,000 लोग हो गए लगातार चिट्ठी डालने वाले, 6 महीने बाद में वो 1,500 होने वाले, 2,000 होने वाले। अब मीडिया को बोलो इसको रोक, तो मीडिया क्या छाप के रोकेगा? अखबार में वो क्या छापे कि ये संख्या रुके? कोई तरीका नहीं कर दे रहा हूं। धारिणी विल स्पीक फ्रॉम इंदौर। पवन जी, मुझे ये पूछना था, हाँ? ये जो हम पोस्ट कार्ड भेजते हैं तो इसमें क्या सरकार आंसरेबल है? हमें उनको जवाब देना ही पड़ेगा, मतलब ऐसा कोई कोई अधिकार, कोई कानूनी अधिकार है हमारा कि सरकार को अगर हम पोस्ट कार्ड भेजते तो उनको हमें जवाब देना ही पड़ेगा, या वो इसे इग्नोर कर सकते हैं? इसमें क्या है, दोनों पहलू में से देखना पड़ता है। पहला तो पहलू है तकनीकी, तो तकनीकी पहलू इसमें यह है कि भाई सरकार से कोई भी मांग है तो सरकार को बोलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा हमको। अगर सरकार भाव देना दे, जवाब देना दे, वो तो डिपेंड करेगा सरकार पे, हमको बोलना तो पड़ेगा ही। अगर हम बोलेंगे ही नहीं तो, मान लो कल मेरे घर पे अचानक से नरेंद्र मोदी का फोन आ गया मेरे फोन पे, या वो खुद ही आ गया, भीलवाड़ा किसी काम से आया था तो बुलवा लिया, कहा भाई ये क्यों मेरे खिलाफ इतना लिखते हो? मैं बोलूंगा वोट वापसी, प्रधानमंत्री का कानून चाहिए, तो वो बोलेगा भाई मुझे बोला कभी तुमने? तुम फेसबुक पे लिख रहे हो, वहां लिख रहे हो, ये मेरे को तो बोला नहीं है। तो कम से कम जो आदमी को बोलना तो पड़ेगा ना। तो पहली बात तो ये रिक्वायरमेंट तो पूरी करना ही पड़ता है कि वो जवाब दे ना दे, हमको बोलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर नहीं बोलेंगे तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम एक जिम्मेदार व्यवहार ही नहीं कर रहे कि हमने बोला कि भाई मेरे घर के बाहर मेरे को हैंडपंप लगवाना है। अब मैं, मेरे यहाँ पे जो पार्षद महोदय है, वो पार्षद महोदय को बोलना तो पड़ेगा ना भाई मेरे यहाँ पे पानी की समस्या है, हैंडपंप लगवा दू। मैं पूरे गांव में चिल्लाता घूमू मोहल्ले में, सबको बोलू हैंडपंप ही नहीं, हैंडपंप ही नहीं है, हैंडपंप ही नहीं है। पार्षद निकम्मा, बाद में पार्षद कभी मिले वो बोले हाँ भाई क्या भाई मेरे बारे में क्या क्या बोलते घूम रहे हो? मैं बोलू भाई हैंडपंप ही लग रहा है, वो बोले भाई बोला मेरे को तुमने? तो तकनीकी पहलू ये है, बोलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, वो जवाब देना दे, वो लगवाए ना लगाए। और आप शिकायत भी तभी दे सकते हो जब आपने बोला है कि भाई मैंने बोला था तुमको हैंडपंप लगाओ, 6 महीने हो गए तुमने लगवाया नहीं लगाया। आदमी बोलता है प्रधानमंत्री को बोलो, मैं बोलता हूँ देखो मैंने ये बोला, मैंने बोला है 6 महीने हो गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब दूसरा व्यवहारिक पहलू, व्यवहारिक पहलू क्या है कि सरकार आंसर कब देगी, या उसको वो चिंता से कब देखेगी, या उस पर ध्यान कब देगी, वो उसी पर डिपेंड करेगा कि कितने ज्यादा लोग चिट्ठी भेज रहे हैं और कितने ज्यादा लोग उनको देख रहे हैं। क्योंकि जब वोटिंग पावर जिस देश में है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक पे केवल एक ही चीज काम करती है, वो वोट है कि वोट कट रहे हैं क्या, तो जिस जहां पे वोटिंग वाला निजाम चल रहा है वहां पे संख्या बल काम करे। आपकी बात सही है गलत है वो फालतू की बात है। वोटिंग पावर जहां है, यानी जहां डेमोक्रेसी है या वोट वाला सिस्टम है, वहां पे वैल्यू केवल एक चीज की है, कितने लोग, कितने, वो बात उनकी मांग जायज है या नाजायज है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कितने लोग बोल रहे हैं। वो गलत भी बोल रहे हैं पर ज्यादा लोग बोल रहे हैं तो बस मानना ही पड़ेगा, वरना कुर्सी जाएगी, वोट मिलना बंद हो जाएगा। तो सरकार इस पे आंसर कब देगी? तो मैं बोलता हूं जब तक कम से कम 20-50 लाख लोग चिट्ठी ना भेजे पूरे भारत भर से, मतलब हर जिले पे कम से कम 3-4 हजार लोग होने चाहिए जो लगातार चिट्ठी भेजना शुरू करें, तो उनका दर्शक संख्या अगर 4-5 हजार लोग चिट्ठी भेजते हैं किसी जिले में, तो मेरा अनुमान है 2 लाख का उनको दर्शक संख्या अपने आप मिल जाती है, 2 से 3 लाख, शायद ज्यादा 5 लाख तक चली जाएगी। मतलब 5 हजार लोग चिट्ठी भेजते हैं तो दर्शक संख्या 5 लाख होगी, तो 5 लाख एक जिले पे, मतलब पूरा भारत के अंदर ऐसे लोग करना शुरू करे तो प्रधानमंत्री हिल जाएगा। बस अभी उसको आंसर देना ही पड़ेगा क्योंकि अब पब्लिक ये देख रही है। वो क्या देखता है कि साला 5 करोड़ लोग एक चीज देख रहे हैं कि ये चिट्ठी भेजते हैं, मैं कोई जवाब ही नहीं दे रहा, तो वो पीएम का मोरल डाउन होना शुरू हो गया। अब तो अब उसको कोई जवाब देना पड़ेगा, तो ये संख्या बल का खेल है, कितने लोग चिट्ठी भेजेंगे और कितने देखेंगे। आखिरी मिनट, धारिणी विल कंटिन्यू। पवन जी, मैं ही पूछ रही थी कि जैसे हम कोई सर्विस लेते हैं, किसी कोई जियो की सर्विस ली मैंने या कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो वहां पे एक कस्टमर केयर होते, एक सर्विस प्रोवाइडर होते कि भाई आपको कोई समस्या है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, हम रिस्पॉन्ड करेंगे, तो एक सिस्टम होता है, तो उनको करना ही पड़ता है ना, नहीं तो हम फला फला जगह पे कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई
हमारे पास संविधान में या कानून में कोई ऐसी तकनीकी नहीं है क्या कि अगर हमारी पोस्ट कार्ड की रिप्लाई भाई नहीं आ रही है इतने इतने वक्त तक, अगर एक भी व्यक्ति कोई शिकायत डाल रहा है सरकार के खिलाफ तो सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा, मतलब हमें संख्या जुटाने की जरूरत ही नहीं है ना। मैंने तो इन्वेस्टमेंट किया ना तुम्हारे अंदर, मेरा तो कुछ जब इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे अगर उसका सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिला तो भाई मेरा अधिकार है ना कंप्लेन करने का, तो उसके लिए मैं चार लोगों को और क्यों लाऊं कि भाई वो भी उस प्रोडक्ट से नाखुश थे, इसके बाद ही वो कंपनी या वो सर्विस प्रोवाइडर उसमें कोई बदलाव करेगा या मेरी कंप्लेन को सुनेगा। तो ऐसा कुछ है हमारे पास फिलहाल या नहीं है? नहीं देखो इसमें क्या है, ये जो बात है ना कि ये बात काफी लोग पूछते भी है कि भाई कोई जवाब आया क्या कभी प्रधानमंत्री कार्यालय से या मुख्यमंत्री कार्यालय से। तो देखो इसमें क्या है कि अपन जो चिट्ठी भेजते हैं उसका फॉर्मेट देखो, ये जैसे ये पोस्ट कार्ड मैंने भेजा था 5/2/2021, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री जी जिला जूरी कोर्ट कानून गेजेट में छापे। मैं जवाब मांग ही नहीं रहा हूं, मैंने उनको बोला ये गेजेट में छाप दो, मतलब जवाब क्या चाहिए। मैंने उसमें कुछ मतलब मैंने कोई क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं हूं, या कोई डिबेट डिस्कशन के लिए तो मैंने लिखा ही नहीं है कि जूरी कोर्ट में डिबेट करें, मैंने तो सीधा बोला ये गैजेट में छाप दो। तो मतलब मैं उससे जवाब मांग भी नहीं रहा हूँ, एक्चुअली मैं उन्हें एक निर्देश भेज रहा हूँ कि इसको गैजेट में छापो, उन्होंने नहीं छापा मतलब उन्होंने मेरा निर्देश फाड़ के फेंक दिया या उन्होंने मेरा निर्देश को खारिज कर दिया। वही अब मैं वही पूछ रही हूँ कि ये अधिकार आपको कहाँ से मिल रहा है कि आप निर्देश दे पा रहे हैं, कहां से आप तो देखो जनता संविधान में जो सर्वोच्च सत्ता है वो वोटर को मिली हुई है, वोटर जो है वो मालिक है, और जो प्रधानमंत्री वगैरह है तकनीकी रूप से हैसियत है वो सेवक या नौकर की ही है। मेरे साइन से वो सांसद बना है, मेरे साइन से, और सांसद ने मेरी उस पावर ऑफ अटर्नी जो मैंने सांसद को दी वन साइडेड उसका इस्तेमाल करके उसने मोदी को पीएम बनाया। मेरा साइन ना होता, मेरा मतलब वोटर 1/90 करोड़, मेरा जो ऑथेंटिसिटी है वो है 1/90 करोड़, 90 करोड़ वोटर है इसलिए। तो वो मेरा पावर, मेरा जैसे जब इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन क्या है देखो, इलेक्शन में चुनाव आयोग, इलेक्शन में क्या हुआ, नरेंद्र मोदी बनारस गया और उसने इलेक्शन कमीशन को बोला मेरे को एमपी बना, तो इलेक्शन कमीशन ने बोला एमपी बनाने के लिए तू मेरे को बनारस के 800,000 लोगों का साइन लेके आ, तो मैं तेरे को एमपी का अपॉइंटमेंट देता हूं। तो वो साइन लेने के लिए इलेक्शन कमिश्नर ने जगह जगह डब्बे रखवाए ईवीएम के, पहले बैलेट पेपर था, तो वो जो बैलेट पेपर का कागज है वो क्या है, वो नरेंद्र मोदी की विनती है वोटर से कि मुझे एमपी बना, तुम्हारा साइन दो इस पे। वो तो मान लो मैं बनारस का वोटर हूं तो मैं मालिक हूं, मेरे सामने वो आया है कि कृपया मेरे को अपॉइंट करने के लिए साइन करो, मैंने कमल का बटन दबाया या किसी का भी दबाया, मैंने साइन दिया, मैंने हस्ताक्षर दिए कि ये ले मेरा साइन, तू एमपी बन जा। ऐसे 800,000 लोगों ने साइन दिए, अपने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर का तरीका ये है कि साइन मैच करना मुश्किल है, इसलिए उसने बटन रख दिया कि भैया बटन दबा दो हम तुम्हारा साइन मान लेंगे। वो जब ही ऐसे 800,000 लोगों का साइन मिला इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन ने मोदी को बोला भाई तेने जो विनती रखी थी जनता के मालिकों के सामने, तो उनका जवाब आया है तेरे को एमपी बनाने के लिए, उन्होंने उनमें 20,00,000 में से 800,000 लोगों ने हाँ बोल दिया है, उनके साइन आ गए 800,000 के, तो मालिक कौन हुआ? मैं मालिक हो गया ना, मेरे एमपी का मालिक मैं तो हूं, वरना तो मेरे पास में क्या मतलब हाथ जोड़ने क्या लेने आया था, खुद ही बन जाता। तो मेरे को ऑथोरिटी है जब किसी को अपॉइंट करने, अगर मेरे को ऑथोरिटी है किसी को अपॉइंट करने की कि मेरे साइंस से आदमी सांसद बनता है, और फिर सांसद मेरे द्वारा दी गई उस पावर ऑफ अटर्नी का इस्तेमाल करके संसद में बैठ के मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ठप्पा मारता है, तो मालिक तो मैं ही हूं।
तो मैं उसको ऐसा ही तो बोलूंगा भाई तू ये कानून छाप देना। अब वो छाप नहीं रहा तो उसका पॉइंट वैलिड है कि भाई एक आदमी के कहने से थोड़ी छापूंगा, मैं तो रिप्रेजेंट करता हूं 272 सांसद को, और सांसद बोलता है भाई 8 लाख वोट से आया है, मेरे पास तो 12 लोगों ने चिट्ठी भेजी है, तो मैं क्या 12 लोगों के कहने से कानून छाप दूं? तो वहां पे उसको मैं गलत क्यों नहीं कह सकता एमपी सीएम या सीएम को, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं अभी कि भाई कम लोगों ने मांग रखी है इसलिए मैं मानू ना मानू मेरी मर्जी, पर ज्यादा लोग अगर बोलना शुरू करें तो फिर उसको छापना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो जनमत के प्रेशर में आ गया। अब वो ये लॉजिक नहीं रह सकता पीएम सीएम एमएलए एमपी वो ये कानून सही नहीं है गलत नहीं है, क्योंकि ये सब नहीं चलता है डेमोक्रेसी या वोटिंग पावर वाले सिस्टम में, ये सिस्टम नहीं चलता कि ये मांग सही नहीं है वो गलत नहीं है, ज्यादा लोगों ने बोला है बात खत्म हो गई उसको छापना पड़ेगा। तो मेरे को संवैधानिक ये राइट है, मेरा ये संवैधानिक अधिकार है और ये कर्तव्य भी है कि मैं प्रधानमंत्री को मतलब जो नौकर को मैंने रख के रखा है यहाँ पे, उस नौकर को अगर मेरे को कुछ निर्देश भेजना है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे, कोई ड्राइवर को रखा है अपन पीछे बैठे गाड़ी गाड़ी वो तेज चला रहा है तो ड्राइवर को बोलते ना यार भाई तू तमीज से चला धीरे चला लग जाएगी भाई सही चला गाड़ी। तो वो ये है कौन, ये वही तो लोग है और है कौन ये, वरना हाथ जोड़ने क्यों आते हैं यहाँ पे, हाथ जोड़ के हमारा अपॉइंटमेंट लेके चले गए। अब साला वोट वापसी का कानून नहीं है बाकी तो इनको एक मिनट में सीधा कर दें अपन, पर क्योंकि इनको पता है अब तू बोलता रहे पीछे से धीरे चला चलाऊंगा मेरे मर्जी से ही, तो वो मर्जी से ही चलाता है अब, क्योंकि हम अब हटा तो सकते नहीं उसको। तो मेरे पास तो ये संवैधानिक अधिकार है, ये मेरी संप्रभु शक्ति है मेरी कि मैं प्रधानमंत्री को बोल सकूं भाई गाड़ी धीरे चला ये कानून छाप लोग बर्बाद हो रहे हैं लॉकडाउन खत्म कर दे, और ड्राइवर बहस करे तो वोट वापसी हो तो बोल दे भाई गाड़ी रोक उतर, और उतार सकते हैं। पर अभी वो सुनता क्यों नहीं, उसको पता उतार तो सकते नहीं है ये, इसके पास पीछे बैठा रहेगा कुछ है तो है नहीं, वोट वापसी मतलब पीछे भी एक ब्रेक आ गया कभी गाड़ी धीरे चला कि नहीं मैं तो ऐसे ही चलूंगा, वहां तो ठीक है पीछे से ब्रेक खींच दिया गाड़ी रुक गई उतर। अब ओके तो मैं जो उसे निर्देश देता हूँ वो संवैधानिक है। ठीक है हो गया धारिणी तुम्हारा। सर चाणक्य तिवारी विल स्पीक फ्रॉम मथुरा, आपको मैं अधिकार दे रहा हूँ म्यूट अनम्यूट करने का, बोलिए। मुझे ये पूछना है कि जैसे अमेरिका में राइट टू रिकॉल का कानून है उसके बाद भी फिर वहां पे लोग जो है रैलियां क्यों निकालते हैं वैक्सीन विरोधी ये सब, और दूसरा प्रश्न ये है हाँ, इसी से जुड़ा हुआ कि जैसे अमेरिका में राइट टू रिकॉल है तो क्या गवर्नमेंट वहां पे वैक्सीन का भी फोर्स नहीं कर सकती जैसे इंडिया में कर सकती है? देखो इसमें क्या है भाई, कहीं पे रिकॉल पावर होने से वो काम कब करेगा, ज्यादा लोगों तक वो जानकारी तो भेजनी पड़ेगी ना। भारत में क्या है कि मैंने बोला आपको भाई ये फोर्स वैक्सीनेशन या लॉकडाउन बेकार है ये नहीं होना चाहिए, तो आपने ही बोला नहीं होना चाहिए बस। अब मैं आप पर मैं आपको जो आप और मैं सहमत है नहीं होना चाहिए, पर करें क्या, हम कर तो सकते नहीं कुछ। वहां क्या है जब उसने बोला अभी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, दूसरे ने बोला हाँ नहीं होना चाहिए, तो ठीक है इसको निकालने के लिए वोट कर दे, तो वो इनिशिएटिव ले सकता है, पर कितने लोग इनिशिएटिव लेंगे वो डिपेंड उस पर करेगा ना कितने लोगों तक ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपने पहुंचाया है। भारत में भी मान लो वोट वापसी आ जाती है तो उससे क्या होगा, तब भी रैली या मजमा या जुलूस प्रदर्शन या इस टाइप से करना ही पड़ेगा, वरना लोगों तक बात कैसे पहुंचाएंगे कि भाई इसको हटाने के लिए वोट करो, लोगों को कन्विंस करने के लिए ये तो करना पड़ता है। पर अभी कन्विंस करके भी करेंगे क्या, वो करेगा क्या, जैसे मैं अभी शहर में जाके एक भोंपू बजा देता हूँ और बोलता हूँ इकट्ठे कर देता हूँ 101 लोगों को और बोलता हूँ भाई देखो ये फालतू में सबको वैक्सीन ठोक रहा है सीएम, इसको निकालने के लिए अपना एसएमएस भेजो, तो वो सब बोलेंगे मान लो 100 में से 50 ने बोला हाँ बात तो ठीक है यार जिसको लेना हो वैसे ही ले लेगा, क्यों सबको पुलिस से पकड़ा पकड़ा के वैक्सीन क्यों ठुकवा रहे हो, तो फिर वो क्या करेंगे कहाँ ठीक है एसएमएस भेज दो इसको निकालने का, तो उन्होंने भेज दिया। पर मान लो ये कानून ही नहीं है तो मैं इकट्ठा करके ये बोलूंगा कि हाँ ये तो गलत है, वो भी बोलेंगे हाँ गलत है बस, और नारा लगा के घर चले जाओ। पर सो तो तब भी वोट वापसी आने से भी जो एक्टिविस्ट है उसका उसका काम तो उसको तब भी करना ही पड़ेगा ना, वरना लोगों को इंसिस्ट कौन करेगा, उनको इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी कभी देखो ये लॉकडाउन ज्यादा लोगों की जाने ले रहा है इसलिए, फिर वो पूछेगा भी है भाई क्यों ले रहा है, तो उसको बताना भी पड़ेगा भाई देखो ये कोरोना है आता जाता रहेगा, उसके चक्कर में धंधे खत्म हो रहे हैं पैसे खत्म हो जाएंगे
घर में तुम्हारे पास पेशेंट रहेंगे, इलाज क्या करोगे, खाओगे क्या, धंधा रोजगार खत्म हो रहा है, वो देखा हाँ यार रोजगार का बहुत लॉस हो रहा है, तो भाई लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे एक्टिविस्ट को काम तो तब भी करना पड़ेगा, एक्टिविस्ट का काम खत्म नहीं होता, आपके हमारे जैसे लोगों को तब भी काम तो करता रहना पड़ेगा, पर तब उसका फर्क पड़ेगा कि अगर आपने 10 लोगों को कन्विंस कर दिया कि भी देखो लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, वो मान गए हाँ लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, तो वो अगले मिनट में वो इनिशिएट ले सकते हैं। अभी क्या है, आप पूरे शहर को कन्विंस कर दो कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, वो होता हुआ जाता कुछ नहीं है, वो बोले हाँ नहीं होना चाहिए, घर जाके और खाना पीना खाके सो जाओ, फेसबुक पे डाल दो बस। तो अमेरिका में जो प्रदर्शन वगैरह है वो क्या है, लोगों को इंसिस्ट करने के लिए, उन तक ये बात पहुंचाने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए होते हैं कि भाई देखो ये सीएमएस ऐसे कर रहा है, इसको निकालना है, उसके लिए है वो। समझ गया। तो दूसरा प्रश्न ये था कि अमेरिका में जैसे राइट टू रिकॉल है, तो गवर्नमेंट क्या वहां पे वैक्सीन को फोर्स नहीं कर सकती है? नहीं कर सकती वहां पे, हाँ नहीं कर सकती है। और देखो वहां पे कोई भी काम तब तक आप कर सकते हो जब तक मेजोरिटी आपके खिलाफ नहीं है, जैसे ही किसी भी चीज पे मेजोरिटी खिलाफ है बस वो चीज वहां इम्प्लीमेंट होने वाली ही नहीं है, क्योंकि वहां पे 5 साल की पट्टेदारी तो है नहीं, बीच में ही निकाल देंगे वो, बस वो वाली बात है। कोई भी चीज है वो बीच में, उनके पास रेफरेंडम भी है, सबसे बड़ी बात उनके पास गन भी है, तो जबरदस्ती कितनी करोगे, वो गन निकाल लाएंगे, मोहल्ला इकट्ठा होकर गन ले आएगा, हाँ भाई क्या है भाई, कब भाई ये वैक्सीन लगानी है, भाई हम इधर गोली चला देंगे निकल, तो बस। पर ऐसा होता कब है, जब पूरी सोसाइटी साथ, भाई कोई सोसाइटी है 5,000 लोगों की, और 5,000 लोगों में से 2,000 लोग आ गए गन लेके रोड पे, और 3,000 का सपोर्ट है पीछे से, 3,000 भी बोल रहे हैं हाँ बात ठीक है, आएंगे तो 2,000 सामने, पर 3,000 का बैकअप है, 3,000 मानते हैं 2,000 सही लड़ रहे हैं, तो पुलिस की हिम्मत ही नहीं है वहां घुसने की, तो बात ही खत्म हो गई। तो वहां पे तो क्या है, जूरी है, वोट वापसी है, रेफरेंडम भी है, तो इस वजह से कोई भी धांधली है वो चलती तब तक ही है जब तक कोई लॉस नहीं जा रहा है, लॉस यानी लॉस तो जाएगा पर मेजर नहीं जा रहा है। पब्लिक किसी भी समय रिवर्ट मारना चाहे तो एक मिनट में पब्लिक पलट जाएगी, और जैसे ही पलटी लगाई नेता गया। भारत में तो सुबह शाम पुलिस को उतार के लोग रोज लठ लगाओ, ठेले पलटवा दो, व्यापारियों को तस्कर बना दिया सालों इन्होंने, और ये लॉकडाउन खत्म, ये लॉकडाउन के चक्कर में जो धंधा करने वाले लोग है आधा शटर डाउन करके 7 बजे बाद में, जैसे कोई अफीम बेच रहा है, कोई वो तस्करी कर रहा है, ऐसे वो सामान बेचते हैं, चावल दाल गुटखा पानी सिगरेट बीड़ी ये सब, वो बंद करके उधर कोने में बैठा रहेगा, यहाँ सब जगह यही हालत है, फिर वो फोन करेगा यार ये चाहिए हाँ ला के देता हूँ, फिर वो शटर खोलेगा अंदर घुसेगा निकाल के लाएगा, साला तस्करों जैसी ऐसा बना दिया सबको, वो पुलिस लठ लेके घूम रही वहां पे, लेके पुलिस लठ लेके घूम रही, पुलिस को निकाल दे, एसपी को निकाल दे, या निकल। तो फर्क क्या है कि यहाँ पे सरकार जो भी चाहे वो पूरी मेजोरिटी खिलाफ है तब भी वो कर सकती है, वहां पे उस सीमा तक कर सकती है जिस सीमा तक पब्लिक टॉलरेट करेगी, जैसे ही उन्होंने टॉलरेट करना बंद किया गेम खत्म। समझ गया। ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई चाणक्य तिवारी? हाँ पूरी हो गई।